अच्छी कंपनी में जा रहे हैं, एक कुछ सीखी धारण कर रहे हैं। मेरा बच्चा इन्ना कुछ सीख रहा है, उन्हें तबला सीख रहा है, इतने तबला बजाता है, मेरा बेटा गतका करता है। तो और मैं कईयों को प्रैफर करती हूँ कि अगर असं अपने बच्चों को सीखी के पीछे रखना है ना, प्लीज़ प्लीज़ तुम बच्चों फतेह किड्स क्लब भेजो, वूमेन डे मनाना है, तुम आके कीर्तन करना है। कभी सोचा नहीं सगा कि असी साढ़े लिए भी कोई सैलीब्रेट करेगा, असी आके कीर्तन करांगे। दिया जाती है प्रसाद किवें वंडना है, हुक्मनामा किस तरह लेना है, लंगर किदा छकना है, सानू बहुत सारिया चीज़ों का नहीं पता जो साढ़े बच्चे इतने आके सीखते हैं, तो सानू भी घर आके सिखाते हैं कि मम्मा तुम इदा नहीं इदा करना। उन्होंने इन्ना कुछ पता लगे सिखी धर्म बारे, तो सारे अपने बच्चों इस स्कूल के जरूर भेजना चाहिए कि साढ़े बच्चे सिखी धर्म तो दूर ना हो। हैप्पी वूमेन्स डे है वै, तुम उत्थे जाके कीर्तन करना वै। मेरी बेटी 8 ईयर्स की है और 1.5 साल तो दीदी को आ रही है, और बाबा जी की कृपा नाल उन्हें इन्ना कुछ इतने सीखा वै कि मैं अरविंदर दीदी की देनिया दे नहीं सकती हैगी। मैं लगता है सिखी का जो साडा पहला गुरु सिखी साड़ी जो हैगी है वो मेन साडा जिहड़ा नींव है वो यही है, और यह सब तो अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों इतने ले आंदा, इतने बच्चे आके बाणी सीखन। साढ़े बच्चे काफ़ी देर तो कह लो कि इन्हों अपनी एक मदर ही बना लिया इन्होंने, असी तो घर बैठे होने बस दीदी को कहने कि दीदी साढ़े बच्चे बहुत कुछ सीख गए हैं, तुहाडा थैंक यू, तो इन्हों होर अगे लैके जाओ। पंजो बाण हूँ दीदी का नैक्सट उद्यम यह चल रहा है कि मेरे सारे बच्चे 5 बाणियाँ कंठ कर लें, तो परमात्मा की कृपा ना बहुत जल्दी हो पढ़ाँ च बिजी ने। ठीक है मावं गुरमत नाल जुड़िया ने पर इन्ना टाइम नहीं कट पा रही कि असं अपने बच्चों भी कुछ सिक्खी ना जुड़े। साढ़े गुरु पातशाह ने 4 साहिबजादे बाढ़ते कि सुधे मूसैला गाड़ा, पर मेरे बच्चे मेरी बेटी 3rd है और दीदी नाल 1st तो जुड़ी है। अज उन्हूं पूछ लो सिद्धे मूसे वाला कौन है, वह कहेगी मैनू नहीं पता। जो उन्हूं पूछ लो कि हाँ दस बाबा जी सिंह कौन है, दस बाबा जुझार सिंह कौन है, फटाफट दसती। अज असी फतेहगढ़ क्लब के भैन जी रविंदर कौर के सदे पर असी आए हाँ, जो वूमेन डे मना रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा उपराला किया है क्योंकि वह बच्चों जो गुरबाणी सिखा रहे हैं वो नाल नाल वड्डियां दा भी पूरा सन्मान कर रहे हैं। सो अज असी गुरु मातावां बारे, गुरु पत्नियां बारे उन्होंने दसांगे, जिन्होंने पूरने पा के सानू जिस धर्म से चलाया, जिन्होंने आप उस धर्म से चलिया, उन्होंने इतिहास पढ़ के साढ़े मन में भी चाह आवे कि असं भी उस रस्ते चल सके जिस रस्ते ते गुरु मातावां भैं पत्नियां चलिया उस ते असं भी चलीए, बड़ी सिक्ख्या मिलती है उन्होंने सिक्ख्यावान। सो है कि मैं अपने बेटे को इतने एडमिशन कराई है, और जदों मेरा बच्चा आया तो मैं इन्ना प्राउड फील होया कि मेरा बच्चा एक अच्छी कंपनी में जा रहा है, एक गुरु सिखी धारण कर रहा है, और मेरा बच्चा इन्ना कुछ सीख रहा है, उन्हें तबला सीख रहा है, इतने तबला बजाता है, मेरा बेटा गतका करता है। तो और मैं कईयों को प्रैफर करती हूँ कि अगर असं अपने बच्चों को गुरु सिखी के पीछे रखना है ना, प्लीज़ प्लीज़ तुम बच्चों फतेह किड्स क्लब भेजो। तो एक्चुअली हूँ लाइफ के पहली बार किसी ने सानू इन्ना मोटिवेट किया कि सिर्फ वूमेन डे मनाना है, तुसी आके कीर्तन करना है। कभी सोचा नहीं सगा कि असी साढ़े लिए भी कोई सैलीब्रेट करेगा, असी आके कीर्तन करांगे, और बहुत अच्छा फील होंदा, और बच्चों इन्निया को अच्छिया टीचिंग्स दिखाई जाती हैं, प्रसाद किवें वंडना है, हुक्मनामा किस तरह लेना है, लंगर किदा छकना है। सानू बहुत सारिया चीज़ों का नहीं पता जो साढ़े बच्चे इतने आके सीखते हैं, तो सानू भी घर आके सिखाते हैं कि मम्मा तुसी इदा नहीं इदा करना। हाँ जी अज हाँ जी हाँ जी हाँ जी अजकल का युग नूं कलयुग ही कहने, तो बच्चे साढ़े बहुत इस तो दूर जा रहे हैं। तो हूँ जदों
ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਕਿਡਸ ਕਲੱਬ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਮੈਨ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਮੈਨ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਐਕਚੁਅਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦ ਤੋਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਨੰਗੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਟਕੀ, ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਲ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਪਨ। ਜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਫਤਿਹ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਇਹ ਰਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਝੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਚਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੂਵੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਥੋਟਸ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CBSE ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਬਣਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਮਦਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਮੈਨਸ ਡੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਮੈਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਓਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਿਫਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਵੁਮੈਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੁਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੁਮੈਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵੁਮੈਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਿ ਵੁਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਵੁਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੁਮੈਨ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੁਮੈਨ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੁਮੈਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਵੁਮੈਨਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਵੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਮਿੰਦਰ ਦੀਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਹਰਸਿਫਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਕਿਡਸ ਕਲੱਬ ਨਾਲ,
और मैं अपने बच्चे तो ही बहुत कुछ सीखा है। अज जो मैं कीर्तन किया है तो मैं अपने बच्चे करके किया है, मेरे बच्चे नहीं, मेरी बेटी ने मैं मोटिवेट किया कि मम्मा हैप्पी वूमेंस डे हैगा वै, तुसी उत्थे जाके कीर्तन करना वै। मेरी बेटी 8 ईयर्स की है और 1.5 साल तो दीदी को आ रही है, और बाबा जी की कृपा नाल उन्हें इन्ना कुछ इतने सीखा वै कि मैं अरविंदर दीदी की देनियाँ दे नहीं सकती हैगी। आई एम ब्लैसड कि इन्हों यहोजी टीचर मिली है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ। उन्हें इतने आके कीर्तन जब जी सब का पाठ गतका मतलब मैनी थिंग शी हैज लर्न। मैं मदरस को यही मैसेज देना चाहती हाँ कि अपने बच्चों इस फतेह किड्स क्लब से लैके आओ, उन्होंने इस मैंने लगता सिखी का जो साडा पहला गुरु सिखी साड़ी जो हैगी है वो मेन साडा जिहड़ा नींव है वो यही है, और यह सब तो अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों को इतने ले आंदा, इतने बच्चे आके बाणी सीखन। मेरा नाम सरबजोत कौर है, तो साढ़े बच्चे दीदी नाल 1.5-2 साल तो ऑलरेडी ने, तो कुछ महीनों तो यह फतेह किड्स क्लब शुरू हुए हैं, बट साढ़े बच्चे उस तो काफ़ी देर पहला दीदी ने नाले, तो गुरमत अनुसार काफ़ी कुछ सीखने को मिले। साढ़े बच्चों को इस तो पहला पता ही नहीं सी रहरा साहिब की होंदा है, किद्दा पढ़ीदा है, पर हूँ डेली रूटीन बन गई साढ़े बच्चे दे नितनेम दी। जदों मैं अपने बच्चे को सवेरे उठ के कहनी हाँ ना मम्मा रुक जाओ जपजी साहब कल्ले ना करो मेरे नाल करो कि मेरा नेम ना रह जाए, इन्नी सीने ठंड पैंदी है ना, तो शुक्र होंदा गुरु परमात्मा का, तो फिर अगले नाल ही पल विच दीदी याद आते हैं जिन्हां दे राही साढ़े बच्चे गुरमत नाल जुड़े ने, नितनेम जुड़े ने, शुक्र है परमात्मा दे, ते बहुत वड्डा थैंक्स इन्हां दा। जदों शाम नूं मेरी बेटी कहंदी है मम्मा सवैया पढ़ रहे ने ना, जदों रहरा साहब दरबार साहब लगा होंदा ते सवैया शुरू होंदा, तो जदों नाल पढ़ती है तो बड़ी मैनू अपने आप में लगता है कि सच्चा जी माँ उ है जिहड़े अपने बच्चों को धर्म के नाल जुड़े। आप तो किन्नियां पार्टियां च बिजी रहने बच्चे साढ़े, तो फतेह किड्स क्लब तो शुरुआत तो दीदी ने नाले, बल्कि उस तो पहला ही इन्हों के नाल ने साढ़े बच्चे, काफ़ी देर तो कह लो कि इन्हों अपनी एक मदर ही बना लिया इन्होंने। असी तो घर बैठे होने से बस दीदी को कहने कि दीदी साढ़े बच्चे बहुत कुछ सीख गए हैं, ताडा थैंक यू, तो इन्हों होर अगे लैके जाओ पंजो बाण। हूँ दीदी का नैक्सट उद्यम यह चल रहा है कि मेरे सारे बच्चे 5 बाणियाँ कंठ कर लें, तो परमात्मा की कृपा नाल बहुत जल्दी होएगा। हाँ ये मैं जरूर कहना चाहवागी कि अजकल जो जमाना चल रहा है मावा अपनी किट्टीज बिजी ने, अपना पढ़ाच बिजी ने, ठीक है मावा गुरमत नाल जुड़िया ने, पर इन्ना टाइम नहीं कट पा रही कि असं अपने बच्चों को भी गुरसिखी नाल जुड़िए। साढ़े गुरु पातशाह ने 4 साहिबजादे वारते, इन्ने सिंह शहीद हुए, साढ़े बच्चों को पता ही नहीं साढ़े बच्चों की शहीदियों के दिन की होंगे ने, क्यों मनाई जाते, इतने आके देखो दिसंबर के महीने किदा असी शहीदियों के दिन मनाने, किदा साढ़े बच्चों दी रूहां उन्होंने दिनों में शहीद सिंह जुड़िया होंगे ने, किदा माहौल बनता। यह गल मैं फिर कहना चाहवागी, ये गल सच है, अजकल 5 बच्चों चो 4 पता होंगे कि सिद्धू मूसेवाला कौन है, पर मेरे बच्चे मेरी बेटी 3rd इच है और दीदी नाल 1st तो जुड़ी है, अज उन्होंने पूछ लो सिद्धू मूसेवाला कौन है, वह कहेगी मैनू नहीं पता, जो उन्होंने पूछ लो कि हाँ 10 बाबा अजीत सिंह कौन है, 10 बाबा जुझार सिंह कौन है, फटाफट दसती। हूँ मैं एक इस चीज़ लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, मेरी बच्ची को सच्ची नहीं पता कैटरीना कैफ कौन है, तो कि नवी मूवी आई है, पर मेरी बच्ची इतिहास तो पूछ लो, अज पुछ लो कि रुत चल रही है, दसेगी बसंत रुत चल रही है, को शब्द सुनाओ सुनाएगी नानक तिना बसंत है। सो ये परमात्मा की कृपा, तो इन्होंने परमात्मा की कृपा कि उन्होंने इन्होंने जोड़िया सानू। मावा का ज़्यादा रोल होता बच्चे के करैक्टर में? बिल्कुल मावा का बहुत रोल है, मावा एक फाउंडेशन है जिहड़ी बिल्ड करदी है, प्यो तो फिर चले जाते हैं कमाने वास्ते, वह भी जरूरी है, पर घर तो मावा ने रहना, तो मावा घर ही इन रुझियां अच्कल है ही इन्ना कुछ है मावा लिए, मतलब जा सोच के भी वो टाइम नहीं कट पाती, जो फिर रूटीन नहीं बन पाती, जी रूटीन है वो इतने ही बनी है, जैसे ट्यूशन भेज सकते हैं 2 घंटे, स्कूल भेज सकते हैं, तो असं अपने गुरमत लिए नहीं भेज सकते 2 घंटे। जरूरी है कि गुरमत ज्ञान जरूरी, गुरमत जरूरी है, गुरमत जरूरी है, किट्टी जरूरी है, असं अज सिखी इदा नहीं है किटियाँ देख ली है, असं इदा नहीं है, इनिया शहीद सिंह इन्ने शहीद सिंह हुए, तो असं अपने बच्चों को दसागे कि सू खुद नहीं पता। मैं भी गल कहना चाहूँगी मावा ही नहीं पता, मावा को पूछ लो तुम 10 मावा चु पूछ लो, तुम गल हुई आ गई सिद्धू मूसेवाला कौन है तो वह कौन है, तो मावा को पूछ लो, मावा नहीं पता, मावा को पूछो 4 साहिबजादे तो ना दसो किहड़े छोटे तो किहड़े वड्डे, तुम गिण के देखो, मावा को खुद नहीं पता। हूँ यह टाइम नहीं है कि मावा पहले खुद लर्न करन तो फिर बच्चों से, टाइम है कि दोनों इकट्ठे इतिहास पढ़न, तो दोवें इतने आन। इन्होंने फतेह किड्स क्लब शुरू किया है, हूँ बहुत जल्दी मावा का भी सेंस शुरू कर जा रहे हैं, तो इन्हों का बहुत बहुत थैंक यू। मेरा बहुत देर तो मन से कि सानू जिन्ना क भी इतिहास पता है, पर मेरा मन है कि असं इतिहास नाल होर जुड़िए, असी भी सुचजी बाणी कुचजी बाणी, पता ही नहीं सानू भी नहीं पता, साढ़े बच्चों याद करा के रिकॉर्डिंग भी कराते, असं बच्चों तो सुनी इतिहास
वो मैं जिते मां सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजा। गुरु नानक पातशाह ने इन्नी वड्डी वड्याई दिती वुमैन नू ते पूरे पूरे विश्व नू संदेश दिता कि वुमैन दी रिस्पैक्ट करो, जो अज की डेट च कोई नहीं कर रहा। गुरु साहिब दा यह पंक्तियां हर कोई पढ़ता है, हर मेल पढ़ता है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजा, पर वह भाव नहीं समझता, उन्नी इज्जत नहीं दे रहा जिनी देनी चाहिए। असी नहीं कह रहे, असी वूमेन नहीं कह रहे सानू ये मार दो, साढ़े गुरु साहब कह गए कि जिहड़ी माँ अपने कुख च 9 महीने पालती है एक बच्चे नू, उहदी इज्जत करो, उहदा माण सत्कार करो। ये मेरे गुरु पातशाह कह गए, सो क्यों मन आखिए जित जमै राजान, जिहड़ी राजा नू जन्म दे दे उहदा सत्कार करो। थैंक वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज असी फतेह किड्स क्लब वालों वीमेंस डे मना रहे हैं। बहुत ही खुशी होंगी, भैन जी अरविंदर कौर जी ने बहुत अच्छा उपराला किया है, बच्चों ने शब्द कीर्तन गाया, बीबिया ने भी शब्द कीर्तन निहाल किया है। असि जानते हाँ कि साड़ी पुरातन बीबिया जड़िया सीगिया सेवा सिमरन संतोख ए सारे गुण उन्होंने सी, भावें अज की बीबिया बहुत ऊंचाई छू रही नासा तक पहुँच गई ने, लेकिन यह सब जड़े गुण सानू पुरातन बीबिया तो सीखने चाहिए ने, वह सानू बीबिया के जीवन इतिहास पढ़ के ही मिल सकता है। सो मेरिया हाथ जोड़ के बेनती ने कि बीबिया अपने ऊंचाइया छूओ, लेकिन अपने पुरातन बीबिया तो सबर संतोख दया धर्म यह सब सीख के ही जीवन तुसी अपना अग्रस्त जीवन सोहना बिता सकते। आज बच्चे नु की मैसेज दिता तुसी कहंदे इंट्रैक्शन होए किवें खिड़वाई? आज इंट्रैक्शन जिहड़ी है गुरबाणी दे मैं करा रही हाँ, जिद जिवें विचों तुक्कां चुक्कांगी असी रोज़ नितिन का पाठ करने पर असी एवें ही पढ़ जाने, सानू ध्यान नाल नहीं पढ़ते हैं। हुण असी सानू पता चलेगा मैं तुक विचू बोलांगी, बच्चे दसणगे इस कीर्तन सोले दिए कि जाप साहब दिए कि जपजी साहब दिए, ताकि नितनेम वह ध्यान नाल करन। इस तरह ही बीबियां सुखमणी साहब का पाठ करदी ने, बट वो तोता रटन हो जाता है, सानू ध्यान नाल पढ़ना चाहिए अष्टपदी की है, श्लोक की है, किन्ने श्लोक ने, ताकि असी ध्यान नाल पढ़िए उन्होंने की पाव अर्थ है। ता ही सानू बाणी पढ़न का लाभ है जे असी ध्यान नाल सोच के विचार के पढ़ांगे। की मैसेज देना चाहते हो वूमेंस नू? विमेन्स यही देना चाहना कि अपनिया नौकरियां भी अगर कर दी हो या घर च रहा हो, लेकिन बच्चों गुरमत नाल जोड़ के उन्होंने गुरमत की सिखलाई, जे तुसी आप पहले कुछ करोगियाँ गुरमत के राह चलोगियाँ ता ही बच्चे चलन गए। जे तुसी आप ब्यूटी पार्लर से जाओगियाँ और सोचोगे मेरे बच्चे पग रखन दाढ़ी रखन, इट इज़ इम्पॉसिबल।